साथियों उत्कल मणि गोप बंधु दास जी ने लिखा है, जगत सर से भारत कनल ताम मधे पुण्य नीलांचल। आज जब देश आजादी के 75 सालों के शुभ अवसर के लिए तैयार हो रहा है तो हमें इस भाव को, इस संकल्प को फिर से साकार करना है। और मैंने तो देखा है कि शायद, मेरे पास एग्जैक्टली आंकड़े नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कोलकाता के बाद किसी एक शहर में उड़िया लोग ज्यादा रहते होंगे तो शायद सूरत में रहते हैं। और इसके कारण मेरा उनके साथ बड़ा स्वाभाविक संपर्क भी रहता है। ऐसा सरल जीवन, कम से कम साधन और व्यवस्थाओं से मस्ती भरी जिंदगी जीना मैंने बहुत निकट से देखा है। ये अपने आप में, और कहीं उनके नाम पर कोई भी उपद्रव उनके खाते में नहीं है, इतने शांति प्रेरक। अब जब मैं पूर्वी भारत की बात करता हूं, आज देश में मुंबई उसकी चर्चा होती है, आजादी के पहले कराची की चर्चा होती थी, लाहौर की चर्चा होती थी, धीरे धीरे करके बैंगलोर और हैदराबाद की चर्चा होने लगी, चेन्नई की होने लगी, और कोलकाता जैसे पूरे हिंदुस्तान की प्रगति और विकास और अर्थव्यवस्था में बहुत याद करके कोई लिखता है। जबकि वाइब्रेंट कोलकाता, एक फ्यूचर को लेकर के सोचने वाला कोलकाता, पूरे पूर्वी भारत को, पूरे पूर्वी, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे पूर्वी भारत को प्रगति के लिए बहुत बड़ा नेतृत्व दे सकता है। और हमारी कोशिश है कि कोलकाता फिर से एक बार वाइब्रेंट बने, एक प्रकार से पूर्वी भारत के विकास के लिए कोलकाता एक शक्ति बनकर के उभरे। और इस पूरे मैप को लेकर के हम काम कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि सिर्फ और सिर्फ देश का ही भला ये सारे निर्णयों को ताकत देता है।